हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज हम सुपर पावर कोरियन ड्रामास की लिस्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं जो ऑफिशियल हिंदी डब्ड में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्ले, पेफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। सो बिना किसी और देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है स्क्रिप्टिंग योर डेस्टिनी। इसे 2021 में इसकी गई था एमडी पर 7.3 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं एमएक्स प्ले के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा में दिखाया गया कि जो गॉड्स है वो इंसानों की तकदीर लिखा करते हैं और जैसा वो उनकी तकदीर की किताब पर लिख देते हैं वैसा ही उनके साथ पूरे जीवन में होता है। एक दिन ऐसा ही गॉड होयुन को लगता है कि उसे अब एक मास्टरपीस लिखना चाहिए और वो मास्टरपीस होनी चाहिए एक लव स्टोरी, और वो एक ऐसी लव स्टोरी होनी चाहिए जो जन्मों जन्मों तक हर किसी को याद रहे। पर उसके लिए उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो राइटर गो चाय की लव स्टोरी कॉपी कर लेता है और इत्तेफाक से वो उसी की तकदीर लिख रहा होता है। एक दिन राइटर गो चाय को लगता है कि उसके साथ में सारी चीजें वैसी ही हो रही होती है जैसा उसने अपनी स्टोरी पर लिखा था। गो चाय की तकदीर लिखने के दौरान में गॉड शिनहो को गो चाय से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों की जो तकदीर है वो आपस में टकरा आती है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है। तो आगे क्या होने वाला है वो सब आप इस ड्रामा में आगे देखिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 10 एपिसोड हैं जिनके अंदर रहने वाली 25 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है द साइबोर्ग मॉम। इससे 2017 में इसकी गई एमडी पर 6.4 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं प्लेफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर हम कहीं देखने वाले हैं गो बोंग की, जो कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है और वो कोरिया के रिचेस्ट इंसानों में से भी एक होता है। गो बोंग की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छे से गुजर रही होती है, पर एक दिन जो उसकी बीवी है उसकी डेथ हो जाती है अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान पे, जिसकी वजह से गो बोंग को अपने बच्चे को खुद ही पालना पड़ता है। पर कई साल वो इस वजह से परेशान रहता है, इसीलिए वो उसी की बीवी की तरह दिखने वाली रोबोट बना देता है। पर जो साइबोर्ग मॉम है उसे इंसान के बीच में एडजस्ट करने में काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होता है, पर इसके बावजूद भी वो कैसे अपने आप को ढालने की कोशिश करती है और उसकी हरकतों की वजह से उसके आसपास में कैसे कॉमेडी क्रिएट होती है, ये सभी चीजें इस ड्रामा को हमें लास्ट तक देखने पे मजबूर कर देती है। इस ड्रामा में आगे बहुत सी ऐसी चीजें होने वाली है जिसकी वजह से आपको भर भर के हंसी आने वाली है। तो अगर आपको कॉमेडी ड्रामा देखना पसंद है तो आपको इस ड्रामा को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में 24 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 31 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है रूम नंबर 9। इससे 2018 में इसके गया था उसे एमडी पर 7.1 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं एमएक्स प्ले के प्लेटफॉर्म पर। ये एक फैंटेसी मिश्रित ड्रामा है जो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर आप कहीं देखने वाले हैं हाई यी की, जो कि एक ऐसी लॉयर होती है जो अभी तक कोई सा भी केस नहीं आ रही है और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। एक दिन हाई यी की मुलाकात मुजरिम हुआसा से हो जाती है, जिसे पॉइजन केस की वजह से डेथ की सजा मिली होती है, जिसकी वजह से वो जेल में अपनी सजा काट रही है। पर जब हाई वासा से बात कर रही होती है किसी केस की वजह से, तब उन दोनों की बॉडी आपस में चेंज हो जाती है। अब जब इन दोनों की बॉडी आपस में बदल चुकी है तो मर्डरर वासा लॉयर हाई की बॉडी के मदद से बाहर जा सकती है और वापस से बड़े बड़े क्राइम कर सकती है। क्या वो ऐसा करेगी या उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, और आखिर लॉयर हाई का लास्ट तक क्या होने वाला है, ये जो सारे ट्विस्ट हैं सबकी वजह से ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कौन ड्रामा था उसका नाम है स्वीट होम। इससे 2020 में इसकी गया था एमडी पर 7.3 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में कहने वाले हैं ह्यून सू की, जिसने अभी अभी अपने पेरेंट्स को खोया है और उसके बाद में जब वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है तब उसे पता चलता है कि पूरे कोरिया में डी डे अनाउंस हो चुका है, यानी कि पूरे कोरिया में अभी तबाही मची पड़ी है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आसपास के कई लोग मॉन्स्टर में बदल रहे हैं और वो अपने आप को और अपार्टमेंट में और भी फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करता है। और इसी बीच उसे सुपर पावर भी मिलती है, जिसका इस्तेमाल वो इस सीरीज में कैसे करने वाला है और आगे उसके साथ में क्या क्या होने वाला है, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में टोटल 18 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है स्कॉलर हु वॉक्स द नाइट। इसे 2015 में इसके गया था उसे एमडी पर 7.2 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और वाले हैं जोशोन डायनेस्टी की, जहां पर आप कहीं देखने वाले हैं संग योल की, जो कि एक ऐसा वैम्पायर होता है जो छुप के अपने लोगों की रक्षा कर रहा होता है कई सालों से, और वो चाहता है कि वो अपने देश को ग्वी यानी कि ईवल वैम्पायर से बचाए जो कि उनके राज्य को बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पर आप संग्युल वैम्पायर की एक बहुत ही जबरदस्त लव स्टोरी भी देखने वाले हैं। इन दोनों की लव स्टोरी की वजह से आगे इस ड्रामा में कई सारे ट्विस्ट भी आने वाले हैं, जिससे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में 20 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कौन ड्रामा था उसका नाम है अ टाइम कॉल्ड यू। इससे 2023 में इसकी गई था एमडी पर 7.8 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। ये बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी है, जहां पर आप कहानी देखने वाले हैं जुनही की, जिसका बॉयफ्रेंड एक एक्सीडेंट की वजह से मारा जाता है और उसके बाद से जुनही जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती है। पर एक दिन उसके साथ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो टाइम में पीछे चली जाती है और उसे वहां पर अपना बॉयफ्रेंड यून जुन मिल जाता है। पर यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है, जुन ही वापस किसी और की बॉडी के अंदर में गई है और उसे पता चलता है कि ये जो लड़की है वो कुछ ही महीनों में मारी जाने वाली है, जिसके बाद में वो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करती है और उसमें उसका बॉयफ्रेंड यून जुन कैसे उसके साथ देता है, और आगे बहुत सारे और भी ट्विस्ट सामने आने वाले हैं। इस ड्रामा के अंदर में आपको एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और एक मर्डर मिस्ट्री भी है इस ड्रामा के अंदर में जो सच में काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 12 एपिसोड है जिनके अंदर
करने वाली सिस्टम लड़की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम था ब्यूटी इनसाइड। इसे 2018 में किया गया था, उसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और इस ड्रामा के अंदर में आप कहने देखने वाले हैं हान से की, जो की कोरिया की टॉप एक्ट्रेस होती है, पर उसे बचपन से कुछ अजीब सी प्रॉब्लम होती है और उसका मानना यह है कि उसे एक शाप मिला हुआ है की वजह से वो कभी कभी अपने आप को किसी और के रूप में पाती है, यानी वो कम्प्लीटली दूसरी इंसान बन जाती है। और ये उसे बचपन से सहना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बचपन से काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होता है। पर एक दिन उसकी मुलाकात अपने काम की वजह से हो जाती है बिजनेसमैन डूजाई से, जो उसकी इस प्रॉब्लम को देख लेता है और उसके बाद में वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। और इसकी वजह से हमें यहाँ पर इनकी एक बहुत ही जबरदस्त लव स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि इस ड्रामा को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनके लिए अंदर रहने वाली 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है सी यू इन माई 19th लाइफ। इसे 2023 में किया गया था, उसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप देखने वाले बांजी यूम की, जो कि एक ऐसी लड़की होती है जिसे अपने पिछले 19 के 19 जन्म अच्छे से याद होते हैं, यानी कि हर जन्म में वो क्या करती थी, क्या क्या सीख रखा था, उसे सब कुछ याद होता है। इसीलिए वो बचपन से काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की होती है और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस भी होती है। पर बांजी यूम की एक ऐसी लव स्टोरी थी जो कामयाब नहीं हो पाई थी उसके 18वें जन्म पे, क्योंकि अपने 18वें जन्म में वो एक एक्सीडेंट की वजह से अपने लवर से बचपन में ही जुदा हो जाती है और अपने 19वें जन्म में वो वापस से उसे पाना चाहती है। इसके लिए वो बचपन से तैयारी कर रही होती है और लास्ट तक क्या वो अपने प्यार को पाने में कामयाब हो पाती है नहीं, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 6 एपिसोड है, जिनके अंदर रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है ग्यूंग स्योंग क्रेचर। इससे 2023 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में कहने देने वाले ताय संग की, जो की ग्यूंग स्योंग का बहुत ज्यादा पॉपुलर और रिच मैन होता है और वो ग्यूंग स्योंग में बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा होता है। पर एक दिन उसके बिजनेस पर और उस पर दोनों पे खतरा आ जाता है और उस खतरे से बचने के लिए उसे एक लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर निकालना होता है, जो कि कई दिनों से गायब होती है। ताय संग के, जिसका पूरे ग्योंग सोंग में इतना बड़ा कनेक्शन है, उसके लिए भी ये टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इसलिए वो एक स्पाई हायर करता है जिसका नाम रहता है चाइयो, और उसके साथ में मिलकर वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। उन दोनों की तहकीकात उन्हें ग्योंग सोंग के एक हॉस्पिटल में लेके आती है, जहाँ पर इंसानों के ऊपर में एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और वहाँ पर उन्होंने एक मॉन्स्टर को भी तैयार कर दिया होता है। अब ताय संग और चाइयो उस मॉन्स्टर को और उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रोकना चाहते हैं और उसके लिए वो किस हद तक चले जाते हैं, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 10 एपिसोड है, जिनके अंदर रहने वाली 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसून। इससे 2023 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में कहने वाले नामसून की, जो कि कोरिया की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, पर वो बचपन में ही मंगोलिया में खो जाती है। मंगोलिया में कई साल बिताने के बाद में नामसून डिसाइड करती है कि वापस से साउथ कोरिया जाएगी और वहां पर वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेगी। नामसून कोई मामूली लड़की नहीं होती है, उसकी पूरी फैमिली में औरतों के पास में सुपर स्ट्रेंथ होती है, जिससे वो भारी से भारी चीजों को आसानी से उठा सकते हैं और यही पावर नामसून को विरासत में मिली है। नामसून साउथ कोरिया में आके एक बहुत बड़े ड्रग माफिया से भिड़ जाती है और उनके खिलाफ वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है। इसी बीच वो अपनी फैमिली को भी ढूंढ रही होती है और लास्ट तक वो अपनी फैमिली को ढूंढने में कामयाब हो पाती है नहीं, और वो ड्रग माफिया के साथ में क्या करने वाली है, ये सब तो आपको इस ड्रामा में आगे देखना ही है। साथ में आपको नामसून की एक बहुत ही जबरदस्त लव स्टोरी भी देखने को मिलने वाली है इस ड्रामा के अंदर, उसे भी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। तो यहीं पर हमारी टॉप 10 कोरियन ड्रामा की लिस्ट खत्म होती है और हम बात करने वाले अपने बोनस के ड्रामा के बारे में, जो कि इंग्लिश सबटाइटल पर अवेलेबल है, जिसका नाम है डेथ गेम। इसे 2023 में इसके गया था, उसे IMDb पर 9.1 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। मैं आपको फिर बता दूं, ये ड्रामा इंग्लिश सबटाइटल पर अवेलेबल है, यह अभी हिंदी लैंग्वेज पर नहीं आया है। इस ड्रामा के अंदर में कहने वाले हैं यी जाएगी, जो कि एक ऐसा अनएम्प्लॉयड इंसान होता है जिसकी जिंदगी एक दिन बहुत बुरी तरह से ऊपर नीचे हो जाती है और उसके साथ में हर चीज जो है वो गलती हो रही होती है, यानी कि वो एक ही दिन में अपने सारे पैसे खो देता है, अपनी गर्लफ्रेंड भी छोड़ देता है और उसे अपने घर से भी निकाल दिया जाता है, जिसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो सुसाइड करेगा और फिर वो वैसा ही करता है। और उसके बाद में वो पहुंच जाता है डेथ गॉड के पास में, जो उसे बताते हैं कि तुमने अपनी जान लेके बहुत बड़ी गलती करी है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली डेथ होती क्या है। जिसके बाद में डेथ गॉड ये जाए के साथ में गेम खेलती है, जिसमें उसे वो बर लाइफ देती है। उन बर लाइफ में उसे अलग अलग इंसानों की बॉडी के अंदर में भेजा जाएगा और उसे उन सभी इंसानों को मरने से बचाना है, और वो किसी भी लाइफ में अपने आप को बचा लेगा तो उसे वापस से जीने का मौका मिलेगा, और अगर वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा तो उसे नर्क में हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। तो ऐसे में ये जाए के साथ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और ये जो गेम है वो काफी ज्यादा खौफनाक होने वाला है। तो आगे उसके साथ में क्या होता है वो सब आप इस ड्रामा में देखिए। इस ड्रामा के सीजन 1 में टोटल 4 एपिसोड है, जिनके लिए अंदर रहने वाली 55 मिनट की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसे कोरियन ड्रामास के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए।